नमस्ते, कैसे आप सब? चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज बात करेंगे तू झूठी मैं मक्कार। नमस्ते। अरे ये क्या बोल रहा है? किसको झूठी बोल रहा है? मक्कार अपने आप को बता रहा है। यहाँ पे तो मूवी रिव्यू करता है ना। अरे नहीं यार, वैसे तू है कौन? मैं बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं आता रहूँगा, फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा, मैं अपना परिचय ज़रूर दूंगा। अभी तो मैं आता रहूँगा, किसी और वीडियो में बताऊँगा, अपना परिचय आप लोग को ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, अभी कुछ कहना है? नहीं, अभी तो बस जानना है कि तू झूठी मैं मक्कार आखिर है क्या? तू झूठी मैं मक्कार ये मूवी का नाम है जिसे डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, जो इससे पहले प्यार का पंचनामा टू, सोनू के टीटू के स्वीटी जैसे मूवी को डायरेक्ट कर चुका है, जिसके वजह से बॉलीवुड के पपेट क्रिटिक्स पपेट मीडिया ने उसके ऊपर एक टैग सा लगा दिया। वो अपने मूवी में फीमेल कैरेक्टर को निगेटिव साइड में दिखाता है। इससे पहले जितने भी मूवी को डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, उस सभी में आपको कार्तिक आर्यन नुसरत भरूचा देखने को मिलेगा। पहली बार बड़े स्टार बड़े प्रोडक्शन वैल्यू के साथ मूवी को बनाया है, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ। हाँ तो समझ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कहना है तो कह, और निकल, मुझे मूवी रिव्यू करना है, टाइम वेस्ट ना कर। नहीं नहीं भाई, मैं समझ गया समझ गया समझ गया, मूवी का नाम है लव रंजन ने डायरेक्ट किया है। रिव्यू देखिए आप लोग, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसके चैनल को। बाय बाय। चलो जी फिर, ये तो गया, रिव्यू करते हैं। मूवी में एक अमीर घर का लड़का है जो अपने घर के काम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे का ब्रेकअप कराता है। जो प्रेमी एक दूसरे से अलग होना चाहता है उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसके बदले में पैसे लेके उसको अलग कराता है। ये काम है उसका, एक्स्ट्रा काम है। फिर उसके ज़िंदगी में एंट्री हो जाता है लड़की का, उससे प्यार हो जाता है, दोनों के प्यार शादी तक पहुंच जाता है। लड़की सो कॉल्ड मॉडर्न ख्यालों वाली है, उसको आज़ादी चाहिए, परिवार के साथ नहीं रहना है, उसको अलग रहना है। लड़का अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है। अब ये कहानी कहाँ तक जाता है, क्या होता है, आगे नहीं होता है, इसके लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। और हाँ, इस प्यार को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी लड़के को ही मिलता है। 2.5 घंटे की मूवी, आपको ये लंबी लग सकती है। इस बीच में आपको दिखाएगा कि आप बच्चे को शराब पीना कैसे सिखा सकते हैं, बड़ों के पैर छूना कैसे रिग्रेसिव होता है। अमीर घर है भाई, बड़े 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 आदमी, बड़ी बड़ी सोच। सेक्स तो ऐसे करना है, पहले कर लो बाद में सोचना या फिर क्यों किया। और हाय हेलो, तो जब मर्जी तब, जहाँ मर्जी तहाँ। 1 टेक शॉट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लंबे लंबे डायलॉग वाले शॉट। बड़े बजट के होने के बावजूद श्रद्धा कपूर को पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया गया। जब देखो तब कच्चे बनियान में घूमती रहती है, कभी कभी थोड़ा सा कपड़े देता है, वो लपेट के आ जाती है बस। नहीं तो पूरे फिल्म में कपड़े तो, 2 कैमियो भी है इसमें, एक मेल और फीमेल, और 5-5 मिनट के लंबे लंबे कैमियो हैं, और दोनों ने अपने बहुत ही अच्छे काम करके गए हैं। मूवी बनाने के पीछे भावना अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इसको ट्रीट किया गया है, जैसे कहानी दिखाया है, उससे भारत के 90 से 95% जनता तो रिलेट नहीं कर पाता है। बस दिक्कत यही है, जिस तरह के लाइफ स्टाइल इसमें दिखाया गया है, परिवार के साथ देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है भाई। जब मैं देखने गया था, बेचारा एक अपने बीवी दो बच्चे को लेकर देखने के लिए आया था मूवी, और इंटरवल में जो गया दोबारा आया नहीं इंटरवल के बाद देखने के लिए, आखिर देखें क्या होता है नहीं होता है। भाई अश्लीलता ही इतनी भर रखा है, जब मर्जी तब हाय हेलो शुरू कर देता है, जब मर्जी तब, कपड़े तो पाना ही नहीं। श्रद्धा कपूर तो बिना कपड़े के घूमती रहती है। दोस्तों के साथ यदि जाकर देखोगे तो इंजॉय करोगे, मैसेज ठीक देता है मूवी, उसमें ज़्यादा वो वाली बात नहीं। बॉलीवुड से तो बहुत ही उम्मीद ही नहीं है इस तरह की मूवी बनाएगा। अच्छी है कहानी, मूवी इंटरटेनिंग है, सारे गाने सिचुएशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठीक है, एक्टिंग सभी के अच्छे हैं। श्रद्धा कपूर ने अपने पूरा ग्लैमर बिखेरा है, रणबीर कपूर के ऊपर इस तरह के रोल बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, और वो अपने रोल में अच्छे लगे हैं। और भी जो एक्टर है उसके काम अच्छे हैं, सभी ने अपने अपने काम करके चला गया है। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।